केशवपुर के दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बोरवेल में जो कल रात तकरीबन एक बजे जो शख्स गिरा था, अब उसे जो है वो निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ के तकरीबन 8 से 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब उस वक्त शख्स को जो है बोरवेल से निकाल करके जो है वो पास के ही दीनदयाल अस्पताल में जो है वो ले जाया गया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि उस शख्स का जो है वो कौन था, उसकी उम्र क्या थी, ये आइडेंटिटी जो है वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शख्स की उम्र जो है वो तकरीबन 20 साल के करीब थी। और आप जो गड्ढा देख रहे हैं, इसी बोरवेल के पैरेलल में एनडीआरएफ की टीम ने जो है वो यहाँ पर गड्ढा खोदा, जिसमें जेसीबी मशीनों की मदद लेनी पड़ी, पोकलेन मशीनों की मदद से जो है वो तकरीबन 40 फीट का गड्ढा जो है वो यहाँ पर खोदा गया था। और अब जो है तकरीबन 8 से 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो इस बोरवेल से जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अभी उस व्यक्ति की आइडेंटिटी जो है वो पुष्टि नहीं हुई है और उस व्यक्ति को पास के ही दीनदयाल अस्पताल में जो है वो ले करके जाया गया है। कुछ देर में जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जो है वो ज़रूर जारी हो सकता है। लेकिन अभी का बड़ा अपडेट यही है कि कल रात 1 बजे से जो शख्स केशवपुर इलाके के दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में गिरा था, अब जो है एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन जो तकरीबन 8 घंटे चला, उसके बाद जो है वो उसे बाहर निकाल लिया गया है और पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।